अब हम जड़ी बूटियों के इस श्रृंखला में चर्चा करने जा रहे हैं एक आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध और बहुत ही गुणकारी औषधि के संदर्भ में। इसका जो बोटनिकल नाम है वैरहाविया डिफ्यूजा, वैरहाविया डिफ्यूजा जिसको हम पुनर्नवा के नाम से जानते हैं, इसको हम संस्कृत में शोथग्नि के नाम से भी जानते हैं। पुनर्नवा को शोथग्नि के रूप में भी आयुर्वेद वाले वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त इसको हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग पुनर्नवा या साठी, गुजराती में साटोड़ी बसेड़ो बोलते हैं इसको, साटोड़ी बसेड़ो, और तमिल में सुकुएट्टी बोलते हैं सुकुएट्टी, और तेलुगु में आतावाशा इसको कहा जाता है, मराठी में बोलते हैं घेटुली। पुनर्नवा पुनर्नवम भवती, इसको लेने से आदमी पुनः नूतन हो जाता है, नवीन हो जाता है और अपनी रोगों से छूट जाता है। शायद इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम पुनर्नवा रखा है। तो पुनर्नवा का पौधा हमारे देश में प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। यह पुनर्नवा मूल हम आज इसी पौधे के विषय में बताने जा रहे हैं आपको। प्रारंभ करते हैं अनिद्रा से। जिनको नींद कम आती हो, बेचैनी हमेशा बनी रहती हो, उन लोगों के लिए इसकी थोड़ी सी जड़, ये मेरे पास जड़ है, यह पुनर्नवा जड़, ये थोड़ी सी जड़ को कूट करके यदि इस जड़ को पानी में उबाल करके काढ़ा बना करके पिएं तो इससे बहुत अच्छी नींद आती है। अनिद्रा के लिए यह बहुत ही एक अच्छा पौधा है यह पुनर्नवा। इसके अतिरिक्त जिनको आँखों में खुजली रहती हो उसके लिए ये बिल्कुल साफ सी यह पुनर्नवा जड़ को थोड़ी सी घिस लें सिलबट्टे पे या साफ पत्थर पर, घिस करके थोड़ा सा जो भृंगराज है जिसको भांगरा बोलते हैं उसके रस को निकाल करके साफ बर्तन से फिर आँख में अंजन करने से, आँख में डालने से उससे आँख की जो खुजली है उसके लिए वह बहुत लाभकारी है, आँख की खुजली और आँख के रोगों के लिए। और इसके जड़ को घिस करके यदि सफ़ेद प्याज के रस के साथ पुनर्नवा मूल को घिसिए, उसके थोड़े से जो पेस्ट सा उसमें से निकलेगा उसमें प्याज का रस डाल करके साफ कपड़े से दो तीन बार छान करके उसके आँख में दो दो बूंद डालने से जो रतौंधी होती है, जो तिमिर रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात को दिखाई नहीं देता है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है तिमिर रोग खत्म करने के लिए। तो यह आपकी नींद लाने में और आपके आँख के रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और मुख के पाक, मुंह के छालों के लिए भी यह अच्छी औषधि है। हालांकि इसका स्वाद थोड़ा सा बकबका होता है, इसको थोड़ा चबाने से भी मुंह के छालों में एकदम लाभ हो जाता है, और चबा करके उस लार को, उस थूक को आप बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी आप ले सकते हैं। और हृदय रोगों में भी यह बहुत ही लाभकारी है। किसी भी तरह का कोई भी हृदय रोग है, पुनर्नवा को हम कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसके पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, इस छाल का, इसके जड़ की मूल का प्रयोग किया जाता है, इस मूल का ज़्यादा प्रयोग होता है, इसके बाद में संपूर्ण पौधे का भी प्रयोग होता है। इसको बोलते हैं पुनर्नवा पंचांग, और अलग से कई रोगों में इसके पुष्प का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके जो पुष्प हैं, हालांकि यह बहुत कम और सीजनल होते हैं, एक सीजन में ही खिलते हैं। पुनर्नवा की दो प्रजातियां होती हैं, एक प्रजाति तो थोड़ी लाल होती है और दूसरी प्रजाति हरा होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यह प्रजाति लाल प्रजाति है, इसकी जो डंठल हैं वो लाल हैं, और यह जो मेरे हाथ में इधर राइट हैंड में है इसकी प्रजाति यह हरे वाली है। तो हरे और लाल के रूप में दो प्रजातियां इस पुनर्नवा की हमारे यहाँ प्राय पाई जाती है। तो इसके कई रोगों में प्रयोग कर सकते हैं, और पुनर्नवा की विशेषता यह है कि इसकी कोमल पत्तियों का और इसकी टहनियों को हम शाक बना करके भी, सब्जी बना करके भी खा सकते हैं।
शाक की तरह प्रयोग करने से ये हृदय को ताकत देने वाला है, बहुत ही लाभकारी है। इससे आपके लीवर संबंधित यह पीलिया के लिए एक अचूक और रामबाण औषधि है।